फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं उठ गई हूँ, लेकिन आज मैं नहा नहीं पाऊँगी। पहले मैं टीवी का ब्रेकफास्ट सुनाऊँगी, क्योंकि आज मेरे को लेट 7:30 बज गए हैं। क्योंकि अगर नहाऊँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो पहले मैं उसका ब्रेकफास्ट बना देती, फिर उसको उठा के नहला के स्कूल भेज के फिर सफाई वफाई करके जब मैं नहाऊँगी। मैं आई हूँ मैं नाश्ते में उसके लिए पिज़्ज़ा, क्योंकि रोज़ पराठे, आलू का पराठा, मैगी वगैरह ले जाके वो हो गया परेशान। तो कल बोला था मम्मा कुछ मुझे अलग देना, मुझे कुछ अलग देना बनाने में, तो बना के, तो इसलिए मैंने आज पिज़्ज़ा बनाया है। कटिंग करिए वेजिटेबल के, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस, मैंने चॉपर में डाल दिए हैं स्वीट कॉर्न निकाल के, कैप्सिकम और एक टमाटर मैंने छील के डाला है। और मैं कभी भी किसी भी चीज़ में टमाटर यूज़ करती हूँ तो हमेशा छील के ही यूज़ करती हूँ। और ये है कैरेट, एक कैरेट डाल दिया मैंने इसे, मैं इसको चॉप कर लूँगी अब अच्छे से। पेस्ट में डाल दिया है ब्लैक पेपर, चाट मसाला और काला नमक। इसमें वाइट नमक नहीं डालती क्योंकि टेस्ट नहीं आता फिर। और ये डाल देंगे दो चीज़ के पैकेट। मैंने इसमें ऑरिगेनो के डाल दिए और ये मैंने चीज़ डाल दिया। अब मैं इसको मेल्ट कर लूँगी और फिर बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने एक ब्रेड पर लगा दिया पिज़्ज़ा सॉस और एक ब्रेड पर लगा दिया मेयोनीज़। अब मैं पेस्ट इस पर फैला दूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने रख दिया है तवे पे ब्रेड और ये लगा दिया ऊपर से बटर, क्योंकि ये बटर में सिकता है जब भी इसका पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है। और मैं बटर ये वाला यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा बटर है, हम यही वाला यूज़ करते हैं। ख़त्म हो चुका है, देखो थोड़ा सा रह गया। ये देखिए, अब पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी लगता है, ये आप खा के तो देख नहीं सकते, लेकिन आप बना के देख सकते हैं। जो मैंने इंग्रीडियंट डाले हैं बस वही मैं डालती हूँ। और बस मैं ऐसे इसको सेक दूँगी और मैं इसको ऐसे कवर कर देती हूँ ताकि अंदर की वेजिटेबल थोड़ा अच्छे से पक जाए। गाइस, मैंने कीवी के टिफिन में सॉस रख दी है और मैंने कटिंग करके 4 हिस्सों में इसका पिज़्ज़ा रख दिया है। इसमें मैं टिशू भी जरूर, जिसे मैं पिज़्ज़ा देती हूँ तो मैं टिशू ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि अपने हाथ सब गंदे कर लेता है हाथ मुँह पिज़्ज़ा खाने में। और रियली सच में बहुत अच्छा होता है ये, आपको लगाएगा कि मैंने ऐसे बना दिया। सच में आप बना के देखना, बहुत टेस्ट करते हैं, बिल्कुल पिज़्ज़ा का ही टेस्ट आता है इसमें। हाँ दोस्तों, जैसे कि ना कैसे आप सब बहुत ही बढ़िया, चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो आज मैंने खाना खा लिया और मैं भी स्कूल के लिए तैयार हो चुका हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल। आज फर्स्ट टाइम मेरे डैडी स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, ऐसे है ना? तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम मैं कीवी को स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ और कीवी बैठ चुकी है मेरे बुलेट पे, तो मेरे को भी कहीं जाना है, इसलिए मैं कीवी को छोड़ते हुए वहाँ से निकल जाऊँगा। कीवी को स्कूल छोड़ दिया है। गाइस, अभी कीवी और गोलू को मैं लेने आया हूँ, मैं छोड़ने भी आया था। चलें कीवी? नमस्ते। चले रुक जाओ अभी बैठाना। अच्छा जी। तो यहाँ पे मिल गए कीवी के नानू नानी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मम्मी पापा आ चुके हैं बागेश्वर धाम से और लड्डू के लिए लाए हैं बागेश्वर बाबा की टी शर्ट। ये देखिए धाम बने हैं सब। ये देखो सब बने हैं बागेश्वर बाबा। एक ये पड़ी है झूले में हमारी कट्टो। हेलो गाइस, देखिए मम्मी कितनी प्यारी चुन्नी लेके आई है मेरे लिए, येलो कलर की, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने अब तक येलो कलर की चुन्नी कभी कैरी नहीं की है, कभी ओढ़ी नहीं है मैंने, तो मैंने ये वाली छाटी है येलो कलर की। और देखिए इस पे तो राधे राधे भी लिखा है, मोर पंख बने हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू मम्मी। ये देखो ओढ़ के कैसी लगी, बहुत अच्छी लग रही है। हमें बस डेली में हम यही पहनेंगे, यही ओढ़ेंगे। अच्छी लग रही है ना ये भी, कैसी लगी? एक नंबर।
सारे बच्चों ने टी शर्टें पहन ली, गोलू नहीं पहन ली, प्रीशा नहीं पहन ली, टुक्कू नहीं पहन ली, किट्टू नहीं पहन ली, कीवी नहीं पहन ली, ऐना ने लड्डू नहीं पहन ली भाई, वो कंबल में छुप रही, कंबल जैसा कलर हो रखा है उसकी टी शर्ट का। मैं कह रहा लड्डू कहाँ है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये जो दाल पे जो ये आता है ना, इसको हमेशा उतारना चाहिए हमें, क्योंकि ये ना जोड़ों में ना पेन कर देता है। पहले ना लोग, पहले जो औरतें थी वो हांडी में दाल बनाती थी खुली, लेकिन अब क्या करने लगी, अब की बहुएं क्या करती है हमारे जैसी, फटाफट कुकर में सीटी लगवा देती है। लेकिन क्या करें, पहले इसको बॉईल करें और इसमें से ये उतारें, क्योंकि ये इससे ना बहुत ज्यादा जोड़ों में पेन हो जाता है। यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड बनता है। पुराने जमाने की औरतें बोलती थी इसको दाल में से मलनी बोलती थी कि ये उतारनी चाहिए, और जब इसमें से उतर जाए जब हमें इसे कुकर को बंद कर देना चाहिए। ये सारी उतार देनी चाहिए। अब इसमें से ये सब साफ हो गया है, अब हम इसको बंद कर देंगे। दाल बिल्कुल क्लियर हो गई है हमारी, ये देखिए। अब हम इसे अब लगवा देंगे इसमें हम सीटी। प्रिशा कैसे करती है सर्विंग डांसिंग लेडी, करके बताओ, करके बताओ। ओ ऐसा करती है, आपको पता है ऐसा करती है, आपने देखी है टीवी में, देखी है आपने कीवी देख ले, इसने भी देख ली टीवी में सर्विंग डांस लेडी ऐसा करती है। ऐसा करती है, देख रहे हो गाइस, ये छोटे छोटे बंदर, इनको पता है सर्विंग डांसिंग लेडी कैसे करती है। ये टीवी देख के सब बिगड़े पड़े हैं। इस कीवी का आ गया यहाँ पर खाना, प्रीशा खाना नहीं खा रही। ये देखो इसको जरा सी भी हल्की सी भी मिर्च है ना, मिर्च लगती है और पानी मांगता है ये गधा, इतना पानी नहीं पीते भाई खाना खाते। प्रीशा आप मांगते हो क्या पानी, मांगते हो मैम? लो मांग लिया भाई। पानी नहीं चाहिए इसको, इसको खाना खाना चाहिए। तो खाने में क्या बना है अभी? दाल चावल, दाल चावल रोटी। इसका मुंह देखो कैसा बना रहा है, क्या हो गया, लड्डू देते हैं कहाँ से। देखो गाइस कैसे कर रहा है गधा। तो गाइस कीवी साइकिल चला रहा है, रात को कीवी का साइकिल चलाने का मन कर रहा था और प्रीशा इसको देख रही है। चलो चलाओ कीवी, कीवी को साइकिल चलानी आ गई है अभी। अभी वो ब्रेकिंग करना सीख रहा है, कैसे ब्रेक लगाते हैं, कहाँ ब्रेक लगाते हैं और मोड़ना। गुड नाइट बोलो, बाय करो प्रीशा, बाय करो, गुड नाइट बोलो मम्मी को। चलो सो जाओ, गुड नाइट। गाइस यहाँ पर कीवी है ना, प्रीशा को पढ़ा रहा है, स्टडी करा रहा है। सब्सक्राइब दीदी, तेरे को जरूर बोलना है बीच में।